हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रीमी, गाढ़ी और टेस्टी बादाम शेक की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं बादाम शेक। बादाम शेक बनाने के लिए हमने लिए है 10 से 12 बादाम, जिसको हमने रात में भिगा कर उसके छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध, और इसको हम मिक्सर में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमें इसकी बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़ी दरदर ही पेस्ट बनानी है, जिससे कि इसका फ्लेवर हमारे बादाम शेक में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसका पेस्ट बना लेना है। हमने लिया है एक बोल में 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। हमने लिया है 1/2 लीटर दूध, जिसको हमने गैस पे उबालने के लिए रख दिया है। हमें दूध को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है। जब तक हमारा दूध 20% रिड्यूस ना हो जाए, तब तक हमें इसको उबाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, और इसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे वही बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया है। और इसको अच्छे से चलाएंगे और पकाएंगे अगले 4 से 5 मिनट तक। ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कस्टर्ड पाउडर, जो मिश्रण हमने बनाया था, और इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। इसको अच्छे से चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। हम चीनी कम ज्यादा डाल सकते हैं, जितना कि हमें मीठा पसंद है, और इसको भी अच्छे से हमें पका लेना है। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे।
और एक अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए साइड में आधा घंटे रख देंगे और फ्रिज में रखेंगे अगले 2 से 3 घंटे तक फ्रिज होने के लिए, जिससे कि हमारा बादाम शेक बहुत ही क्रीमी और ठंडा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक